काम करते करते थक जाए। ये बात संख्या में हेलो एवरीवन, एंजॉय इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जहां पे आपको फेमस जगह को कैसे एक्सप्लोर करें, कैसे पहुंचे और वहां क्या क्या करें, डूज एंड डॉट्स के साथ आपको पूरी जानकारी दी जाएगी ताकि इंडिया में आप एंजॉय कर सकें। तो हम लोग ने 10 रुपये का टिकट लिया और इन कर गए। यहाँ पे बैग चेक हुआ, बट ध्यान रखिएगा प्लास्टिक नॉट अलाउड किसी भी फॉर्म में, कुरकुरे बॉटल किसी भी फॉर्म में। हाँ, ये एक है कि आप उसको रख सकते हैं, लौटते समय आप ले लोगे। जब बॉटनिकल गार्डन में जाएंगे तो उसकी खूबसूरती बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पे सबसे पुराने बानियान ट्री के खोज में हम लोग निकल पड़े, बट ये रास्ता ना रास्ते से हम लोग टर्न हो गए, जिसके कारण बानियान ट्री तक पहुँचने में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा। लेकिन ये जो रास्ता था बड़ा ही खूबसूरत था और हम थकान पे बैठना है, बैठने की ही व्यवस्था है, आप बैठ सकते हैं, जब थक जाए तो आप जा सकते हैं घूमने। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, चारों तरफ हरियाली, लेकिन एक तो शिकायत है कि साफ सफाई थोड़ी कम थी। बहुत सारे तालाब, एक नहीं, हमें तो लगा कि ये पहला है, बट ये पहला नहीं था, ऐसे कई और थे। तो ये तो एक पहला ऐसे ही था, इसके बाद भी कई और तालाब, इसके अलावा अलग अलग तरह के पेड़ पौधे। अब इस तरह के नैरो रास्ते भी हैं यहाँ पे, आप थोड़ी देर वहाँ भी इंजॉय कर सकते हैं। अब सिर्फ प्लास्टिक अलाउड नहीं है, यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर सकते हैं, तो आप थोड़ी सी मस्ती भी कर सकते हैं, सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए। सूखा हुआ एक बांस था, बड़ा मोटा लेकिन एकदम हल्का, सूखने के कारण ही नहीं, ये एक्चुअली हल्का बांस ही होता है। उसके बाद कई सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे आप थोड़ी देर बैठ सकते हैं, घूम सकते हैं, तो एक बढ़िया एंजॉय करने वाला ये एक जगह है। खैर, हमारा हम लोगों का अभी सर्च पूरा नहीं हुआ है, बानियान ट्री तक पहुंचना है, लेकिन हमने जो रास्ता टर्न किया तो वहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिला। इन खूबसूरत पौधों के बीच में, पेड़ों के बीच में, तालाब, हरियाली, फूल, बहुत कुछ देखोगे आप इस रास्ते में। ये एक फूल है, ये मुझे लगा कि बांस का तो जड़ नहीं है, बट नहीं, ऐसा नहीं था, ये घास है। इसके अलावा कहीं कहीं जगह पे आपको कमल का फूल भी दिखता। जगह जगह पर रेस्ट करने के जगह भी बने हैं, आप अगर थक जाते हो तो बड़े आराम से आप आराम कर सकते हैं, फिर रिचार्ज होकर आप दौड़ सकते हैं। आगे जब गए तो ये आप जब बॉटनिकल गार्डन देखेंगे तो ये वाला जो पत्ता है वो आपको गूगल पे आपको दिख जाएगा, और ऐसे पत्ते बहुत सारे हैं वहाँ। यहाँ पे तार के पेड़ को लेकर अलग अलग रिसर्च किए जाते हैं, और भी कई सारी चीज़ें हैं इसमें, सिर्फ वही नहीं है। निकलेंगे जगह जगह पे फूल, और तालाब, बढ़िया रोड, और ये रूट आप देखो, ये रूट ब्रिज है एक तरह से, और डबल डेकर ब्रिज है, सिंगल नहीं है, आप इसके अंदर से क्रॉस कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। बहुत पुराना है, जो आप मेघालय में देखते होंगे ना रूट ब्रिज, वो इसका एक छोटा सा नमूना है। ये कितना पुराना है, ये इसका मेन सेंटर है। यहां पे आप फोटोग्राफी कर सकते हो, बड़ा ही सुंदर सा नजारा। और जब थक जाए तो बैठ के यहाँ पे नदी को आप घंटों निहार सकते हैं, बड़ा ही सुकून मिलेगा।
अलग अलग तरह के फूल। अच्छा, ये जो जितने भी फूल हैं ये सब, ये जो जितने भी आप देख रहे हो ये सब एक ही वैरायटी के फूल हैं, कलर सिर्फ इसका अलग अलग है। अब देखिए मतलब कितने गुच्छे में ये फूल खिला हुआ है, कितना गुच्छा में, बड़ा बड़ा गुच्छा है फूल का। अब यहाँ एक भाई साहब थे उनसे हमने पूछा, और फाइनली जिसके लिए यहाँ पे आते हैं या जो जिसके लिए जाना जाता है वो हम उस रास्ते पे हम लोग निकल चुके थे, बट ये छोटी छोटी चीज़ें इन सबको देखना कैसे छोड़ते, तो इसको देखते हुए एंजॉय करते हुए हम लोग आगे निकल रहे थे। इन सब जगह पर रिसर्च चलता है, बॉटनिकल गार्डन ही है तो इन सब पर रिसर्च होता है। ये देखो अब मैंने बोला था ना ऐसे पत्ते आपको बहुत सारे मिलेंगे। ये अदरक की खेती हो रही है, अलग अलग तरह की अदरक है यहाँ पे। अब जो बानियान ट्री है उस ट्री के रास्ते पे ही हम लोग हैं, और ये वही रास्ता है जहाँ पे फाइनल हम लोग को जाना है सीधा सीधा। एक छोटा सा फूल का तस्वीर, और जो सामने दिख रहा है ना वो वही है जिसका आपको इंतजार है, लेकिन देखिए इस तालाब ने भी रोक दिया, थोड़ा इधर भी निकल गए, कुछ हलचल हो रही थी तो सोचा देखते हैं क्या, खैर कुछ था नहीं। और यही है वो बानियान ट्री जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा पेड़ है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम है, और इसका प्रूफ भी है वो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। और ये सब जो देख रहे हैं ना आप इसमें ढूंढ के दिखा दो इसका मेन रूट कहाँ है जहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई है। ये मात्र एक पेड़ है, मात्र एक बट वृक्ष का पेड़ है, और इसका आप मेन रूट नहीं देख सकते, आपको नहीं दिखेगा। जब आप वहाँ खड़े होंगे ना तो एक छोटा सा सर्कल बना के उसके अंदर एक गेट लगा दिया गया है जिसे आप पता कर सकते हैं, वो आपको दिखेगा नहीं लेकिन दिख नहीं सकता, लगेगा कि हाँ वहां पे एक है। इसमें 4000 प्लस इस तरह के रूट निकल चुके हैं, लगभग 2 एकड़ में ये फैला हुआ है। मतलब देख के जो लगा कि नहीं इसका वर्थ है इस जगह का, इसलिए आप भी इसमें यहाँ पे आराम से आ सकते हैं, और जो चीजें वो मैं डिटेल में बता दूंगा, आप इसको एंजॉय कीजिए क्योंकि लोग इसी को देखने आते हैं। अब फील कीजिए इसको अलग अलग एंगल से, देखो इस जड़ है ऐसे ऐसे 4000 प्लस जड़ से बना हुआ ये पूरा का पूरा एक बट वृक्ष है बानियान ट्री। अब इसको रोक दिया गया, नहीं तो ये और फैलता, बट इसको अब रोक दिया गया है कि इससे आगे ना जाए तो काट, ये लोग काट देते हैं जो भी है अब इसी के अंदर। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं मात्र एक पेड़ है ये ओरिजिनली एक पेड़ है, वही ये इतना फैला हुआ है। अब आपके मन में आएगा कि इसको देखें कैसे, आप यहाँ पे कैसे पहुँचेंगे वो पूरा एड्रेस मैं आपको बताऊंगा। आप इस, अब ये बेहतर कनेक्टिविटी है, ये बॉटनिकल गार्डन है, आप यहाँ से यहाँ पे कहीं से पहुँच सकते हैं। अगर आप हावड़ा से, खासकर हावड़ा एक मेन जंक्शन है, वहाँ से अगर आप आना चाहें तो वहाँ से इजली, ये इजली कनेक्टेड है सभी जगह से, आप एक बार देख लीजिए फिर मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, आपको अगर पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। 4035 आई थिंक रुपए, तो ये 8 PM से लेकर, ये सुबह 8 AM से 5:30 PM तक खुला रहता है, और ये अक्टूबर में 8 PM से 5 PM के बीच में खुला रहता है। आप हावड़ा स्टेशन है, ये हावड़ा स्टेशन के पास 2 स्टैंड है, एक तो सिलीगुड़ी की तरफ, एक तो जाती है वो सियालदा की तरफ वाली रूट में, उधर नहीं जाना आपको, ये जाना है हावड़ा स्टैंड पे। किसी से भी पूछना कि हावड़ा का बस स्टैंड कहाँ है, वहाँ जाके आप 61 या 80 नंबर की बस ले सकते हैं, और भी बसेज जाती है,
तो आप वहां से लेके स्टैंड पे जाइए, स्टैंड भी दिखा देते हैं आपको, ये हावड़ा का स्टैंड है। तो यहाँ से उस रूट की तरफ बस जाती है, तो 80 या 61 नंबर की बस ले सकते हो। आप सियालदह से भी जा सकते हैं, धर्मतल्ला से भी जा सकते हैं, तो अलग अलग रूट से आप जा सकते हैं। तो ये है आपका हावड़ा स्टेशन, यहीं से बस खुलती है, आप इसमें आराम से बैठिए, जाइए, फिर लौट के आ सकते हैं। ये बेल कनेक्टेड है सभी जगह से, आपको पता ही है कलकत्ता का बस सर्विस है, या आप ऑटो कैब किसी भी चीज़ से जा सकते हैं, जैसे भी जाना चाहें। 10 रुपये टिकट फी है, प्लास्टिक बिल्कुल अलाउड नहीं है, कुरकुरे चिप्स के फॉर्म में भी नहीं। तो आप बैग्स ले जा सकते हो, लेकिन प्लास्टिक नहीं होना चाहिए। आप जो रेगुलर बॉटल है वो ले जा सकते हैं, बट 10 रुपये वाला बॉटल नहीं चलेगा।